हेलो सोडा किसान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकिब खान। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कैमरा रिव्यू रियलमी 3 प्रो का। तो दोस्तों काफी धमाकेदार कैमरा उसकी और काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको इसके डे के और नाइट के सैंपल दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको उसकी प्राइस और कैमरे स्पेसिफिकेशन में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम इसकी प्राइस पर। जो आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला है वो आपको मिलेगा 14,000 रुपये में, और जो आपको 6GB रैम और 128GB वेरियंट है वो आपको मिलेगा 17,000 रुपये में। तो दोस्तों उन्होंने काफ़ी अच्छा फ़ोन निकाला और काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन रखे हैं, तो प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी सही लगता है मुझे। तो दोस्तों अब आते हैं इसके कैमरे की स्पेसिफिकेशन पर। दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम इसके बैक में। तो दोस्तों आपको इसमें प्राइमरी में दो कैमरे देखने के लिए मिलते हैं। एक आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने के लिए मिलता है, और आपको दूसरा जो कैमरा मिलता है वो आपको 5 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है, और आपको इसमें सोनी का IMX519 वाला सेंसर देखने के लिए मिलता है। वैसे काफ़ी अच्छा सेंसर है। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते हैं हम इसके कैमरा रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी वीडियो में कहीं कहीं पर आवाज़ आई है और कहीं कहीं पर आवाज़ नहीं आ पाई है। तो दोस्तों मैं आपको ऊपर टेक्स्ट लिख के बता दूंगा वो क्या चीज़ है। जैसे मैंने पोर्ट्रेट शॉट लिए हैं और सिंपल शॉट लिए हैं, तो मैं आपको लिख लिख कर बता दूंगा कौन सा अल्ट्रा एचडी का शॉट है और कौन सा सिंपल शॉट है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत मैं म्यूज़िक डाल रहा हूँ, तो आप म्यूज़िक इन्जॉय करिए। वैसे दोस्तों जो इसका 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो बिल्कुल आपको 64 मेगापिक्सल जैसा एक्सपीरियंस देता है। वीडियो में मैंने जहाँ पर अल्ट्रा एचडी शॉट लिखा है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कितनी अच्छी डिटेल आ रही है। और दोस्तों ये मैं रियलमी 3 प्रो के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और दोस्तों इसी का माइक है जिससे आपको आवाज़ मेरी देखने के लिए मिल रही है। तो मैंने इसकी माइक टेस्टिंग करा, तो माइक की तो काफ़ी अच्छी आवाज़ है। तो दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे में तो EIA सपोर्ट नहीं है, रियर कैमरे में है। तो दोस्तों देखिए इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, तो मेरे आप पीछे देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी लग रही है। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रियर कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों देखिए आपको ये कितनी साफ वीडियो देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हरियाली है, और बराबर में ही सर सैयद हाउस है। तो आज सर सैयद हाउस की छुट्टी थी, पता नहीं ये बंद था आज, तो उन्होंने अंदर नहीं आने दिया, तो मैं इसके बराबर में ही शूटिंग कर रहा हूँ। वैसे पत्तों की आवाज़ आपको काफ़ी आ रही होगी जो मेरे पैर से कुछ ले आ रहे हैं। और दोस्तों देखिए ये फूल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कैमरे में। और दोस्तों मैं आपको भाग के भी दिखा देता हूँ, उसके बैक कैमरे में EIA सपोर्ट है। तो दोस्तों मैंने आपको डे के और नाइट के सैंपल्स दिखा दिए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको डे के और नाइट के इसके सैंपल कैसे लगे। वैसे इसका जो सोनी का सेंसर है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो दोस्तों मैंने जो फोटो क्लिक की है वो आपको काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। मैंने बिना पोर्ट्रेट मोड की भी इसमें फोटो खींचा है, तो काफ़ी अच्छा डेप्थ फोटो में देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको उसका कैमरा रिव्यू कैसा लगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ जाए तो आप इस वीडियो से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। मैं आपके लिए ऐसे अच्छी करता रहूँगा और आपको ऐसे अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।